सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त दीपक, फिर आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। और अभी हम आप देख रहे हो मैंने बैकपैक किया है, और अभी हम लोग थोड़ा मैंने आपको बोला था इसके पहले के वीडियो में कि ट्रिप पे जाने वाले, अभी 10-15 दिन थोड़े ट्रिप पे रहने वाले, कि बहुत दिन से 4-5 महीना हो गया यहाँ पे आए हुए और कहीं जा ही नहीं मिल पाया। तो मैं सोचा कि चलो अब घूम के आते हैं। तो आज हम लोग स्प्लिट जाने वाले हैं, फिर 3-4 दिन के बाद हम लोग दुब्रोनिक जाने वाले हैं, और उसके बाद हम रोमानिया जाने वाले हैं। सो ये हमारा प्लान है। तो ये ट्रिप में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत ही हम रोड ट्रैवल करने वाले हैं, तो बहुत एंजॉय रहेगा, तो साथ में बने रहना। तो फिलहाल हम लोग बस स्टॉप पर जा रहे हैं जहाँ से बस पकड़ने वाले हैं। और ये बस बुकिंग मैंने एक हफ्ते पहले की थी, तो कुछ 160 कूना पड़ा था, हम दो जने तो कुछ 390 कुछ कुना की 380 कुछ कुना पड़ा था। तो यहाँ से हम बस डेपो जाएंगे और वहाँ से बस पकड़ेंगे। तो देखते हैं कि ये सफ़र कैसे रहने वाला है, जो भी रहेगा बहुत मज़ा आएगा। तो बने रहना और इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते अपना सफ़र। अभी जस्ट मैं बस डेपो पहुँचने वाला हूँ। तो ये है बस स्टॉप, यहाँ से आपको यूरोप में कहीं भी जाना हो तो आपको यहाँ पर बस मिल जाती है। तो यहाँ से आपको पूरे यूरोप में जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो आपको बस मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली ऑनलाइन ही टिकट बुक किया था, फ्लेक्सी बस करके ऐप है, उसमें आपको जाना है और जहाँ भी जाना हो तो उसका लोकेशन डालना है और कार्ड से पेमेंट कर देना है। और देखते हैं ट्रैवलिंग कैसा रहेगा, क्योंकि मैं भी पहली बार ट्रैवल करूँगा यहाँ से आज तक कभी ट्रैवल नहीं किया। अगर आपको उनका लोकेशन चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैं लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आपको ईजी होगा, अगर आपको ट्रैवल करना हो कहीं भी तो ईजी होगा। तो देखते हैं कैसा रहेगा एक्सपीरियंस। और अभी तो सुबह के कुछ 8-9 बजे की बस है, तो थोड़ा जल्दी हम लोग आ गए, बिकॉज मैंने सुना था कि आप 2-3 मिनट भी लेट होते हो तो बस चली जाती है। तो हम लोग 1 घंटा एडवांस में आ गए, और अभी तो बहुत गर्मी चल रही है, तो अभी सुबह के कुछ 8 बजे, तो अभी इतना गर्मी नहीं है, अभी काफ़ी मौसम ठंडा है, तो बढ़िया रहेगा। तो चलिए अभी देखते हैं कि बस कहाँ से मिलेगी, पूछना पड़ेगा किसी को, हमको भी नहीं पता। तो उन्होंने हमें गेट नंबर पता, तो गेट पे जाना है 203, और स्कैन करेंगे, हमारा बार कोड है दोनों के, तो स्कैन करेंगे और फिर वहाँ से हम निकलेंगे स्प्लिट के लिए। फिर स्प्लिट में जाएंगे, वहाँ पे हमने एक हॉस्टल बुक किया है, वो भी कॉल पे किया है क्योंकि ऑनलाइन बहुत कॉस्टली आ रहा था। तो देखते हैं मिलता है कि, हम लोगों ने एडवांस में एक हफ्ते पहले कॉल करके बोला था, तो उन्होंने बोला कि आप आना काउंटर पे और पे कर देना, मतलब ठीक है। तो उसकी भी जो रेट्स रहेंगे मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा। तो फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पे बस डेपो में, तो सब गेट लिखे हुए हैं, जैसे देखो यहाँ पर 502 503 402 302 401। तो हमें 203 में जाना है, उसके आगे वहाँ पर वेट करना, अभी तो 1 घंटे पहले हम लोग आ गए, तो अभी थोड़ा कॉफ़ी पीते हैं और फिर शुरू करते हैं अपनी जर्नी। सो गाइस, देख रहे हो 203, और हमारा बस आ गया है, तो अब इसमें जाएंगे, देखते हैं कैसा। जब मैं सर्बिया में था तब बस का एक्सपीरियंस किया था, तो सीट बहुत छोटी होती है और अनकंफर्टेबल होती है, तो इसकी सीटें देखती कैसी है और कम्फर्टेबल है कि नहीं। और यहाँ पर और एक चीज़ होती है कि आपके पास जो लगेज बैग होता है उसका एक्स्ट्रा पैसा लगता है, जब आप ऑनलाइन बुक करोगे उसमें भी लिखा होता है, और यहाँ पे भी अगर आप दोगे तो यहाँ भी एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ता है। तो देखोगे गाइस ऐसे सामान रखते हैं, तो अभी हम QR कोड दिखाएंगे और अंदर बैठेंगे। तो हमने कुछ ऑनलाइन ऐसे सीट बुक किया नहीं है, अगर आप ऐसे ऑनलाइन सीट बुक करोगे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होता है, तो ऐसे हम लोग ने अभी तक एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया है। तो ये QR कोड है, उसको आगे चीचा जान स्कैन करेंगे और फिर हम अंदर बैठेंगे। कभी मास्क वास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही वैकेशन, जैसे ही यहाँ पे सीज़न चालू होता है तो क्रोशिया से कोविड गायब हो जाता है, जैसे यहाँ के लोग बोलते हैं कि जैसे ही यहाँ पे सीज़न चालू होता है, वैकेशन स्टार्ट होता है तो कोविड गायब हो जाता है, और जैसे ही वैकेशन ख़त्म होता है कोविड स्टार्ट हो जाता है। ये तो हर जगह होता है, कमाने के बिजनेस है। सफ़र हमारा शुरू हो चुका है, काफ़ी अच्छी बस है, काफ़ी स्पेशियस है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं सर्बिया में था वहाँ पे लेग स्पेस बहुत कम था, यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी कंफर्टेबल है, पैर रखने की जगह है। तो ये व्यू है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है, ज़्यादा मगजमारी नहीं है यहाँ पे। मैंने
QR कोड स्कैन किया तो उसने बोला कि सीट नंबर आपका जो यहाँ पे ग्रीन स्टिकर लगा है यहाँ पे ऊपर वहाँ पे जाके बैठ जाइए। हम बैठ गए तो अभी यहाँ से कुछ 4 से 5 घंटे का सफ़र है और काफ़ी चिल्ड है, एसी भी है तो गर्मी तो लगेगी नहीं फिलहाल यहाँ पर। बाकी तो अब मौसम भी आजकल ऐसा है कि कभी बारिश हो रही है कभी गर्मी हो रही है, तो अभी आप बाहर देखोगे मौसम तो अभी थोड़ी ऐसा मौसम की बारिश भी होने का चांस है। तो काफ़ी आजकल वेदर यहाँ का यूरोप का ऐसे ही रहता है, कभी भी बारिश आती है कभी गर्मी पड़ती है, तो काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल वेदर रहता है यहाँ का। तो डेफिनेटली हम लोग वैकेशन पे जा रहे हैं तो बीच साइड जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, तो सोचा कि थोड़ा वैकेशन पे जाते हैं थोड़ा माइंड को पी सकते हैं कि दिन भर यही जॉब ये वो इंटरव्यू ये सबसे हम थोड़े परेशान हो गए थे कि बहुत टाइम होगा मैं कहीं ट्रिप पर नहीं जा पाया, तो सोचा कि चलो ट्रिप पर जाते थोड़ा इन्जॉय करते 10 से 15 दिन थोड़ा इन्जॉय करेंगे और जॉब का काम भी करते रहेंगे, वो हम आपको कनेक्ट करते रहेंगे जैसे ही कुछ अपडेट आता रहेगा। मैं वीडियो आपको मैंने बोला है कि वीडियो कंसल्ट करके मेरा पेज है, अब जो भी क्वायरी आप वहीं पे कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई भी आ जाएंगे, मेल भी कर सकते हो, बहुत सारे आप कुछ भी कर सकते हो, आपके तीनों ऑप्शन हैं इंस्टाग्राम फेसबुक और मेल, वहाँ भी ऑप्शन आप वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपको रिप्लाई आते रहेंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हम सोचा चलो जाके आते, तो अभी हम लोगों ने कॉफ़ी पिया था नीचे और अभी 4 से 5 घंटे लगेंगे आई थिंक, फिर वहाँ से हम हॉस्टल बुक किया है, आपको हॉस्टल का भी व्यू दिखाऊंगा मैं। तो चलो सफ़र में साथ रहना, अगर आपको मुझे बताना कि आपको कहाँ जाना है, अगर आप घूमने आओगे क्रोशिया में तो आप कौन सी जगह जाना चाहोगे, तो डेफिनेटली अगर कुछ ना आ रहा तो मैं वो जगह पक्का जाऊँगा, तो कमेंट सेक्शन में बताना। 2 घंटे बाद बहुत जोर से सुसु लगा था तो अभी जस्ट सुसु किया और थोड़ा चिप्स विप्स लिया खाने के लिए, तो बहुत सही है क्लाइमेट आज का, ज़्यादा गर्मी नहीं है, काफ़ी हवा भी चल रही है और व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, पूरा लैंडस्केप व्यू है और पूरा जंगल से लेकर हर चीज़ बहुत खूबसूरत है, मज़ा आएगा, विंडो सीट मिला है तो मज़ा आ रहा है। और बाकी बहुत सारे फॉरेनर्स भी है, ऐसा नहीं कि क्रोएशियन लोग हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स भी है ट्रैवल जो कर रहे हैं हमारे साथ, और अभी जस्ट ब्रेक हुआ तो हम लोग रुके यहाँ पे, तो अभी कुछ 15 मिनट रुकेगा यहाँ पे और उसके बाद वापस और 2 घंटे लगने वाले, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, कम्फर्टेबल है, बस ये कि नींद नहीं आ रही है बिकॉज थोड़ा कम्फर्टेबल सीट की थोड़ा पीछे नहीं जाता है तो थोड़ा दिक्कत होता है, कमर पर प्रेशर आता है, काफ़ी अच्छा है। तो स्प्लिट में अभी हमने सोचा नहीं क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं क्योंकि हमेशा हम जो भी प्लान करते हैं अनएक्सपेक्टेड रहता है, तो अभी सिर्फ हम लोग ने हॉस्टल बुक किया वो भी सिर्फ फ़ोन पे बुक किया, फिज़िकल जाके अभी देखते हैं मिलेगा कि नहीं, तो काफ़ी मज़ा आएगा। सो फाइनली हम लोग अभी जस्ट पहुँचे, हाँ 5 से 5.5 घंटे ले लिए पर फाइनली पहुँच गए और रास्ते में जो नज़ारा था मज़ा आ गया, आपको भी मैं एक झलक दिखाता हूँ, ये देखिए ये है सामने मेरे बीच और काफ़ी भरा हुआ है, काफ़ी पब्लिकों से भरा हुआ है, बहुत ओवर क्राउडेड है। तो अभी यहाँ से हमें हमारे हॉस्टल जाना है, तो उसके पहले हम देखते हैं कि आजू बाजू में कहीं हॉस्टल मिले तो, क्योंकि जो हॉस्टल हमने बुक किया है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं। तो अभी हम जहाँ पे गए थे वहाँ पे भी कुछ मिला नहीं, वो पर डे हम लोग 250 यूरो मांग रहे हैं, यानी कि 2 जन का 500 यूरो मांग रहे हो, तो वापस हमने वापस 10 जगह कॉल लगाया, हर जगह फुल है बिकॉज सीज़न है, तो बुकिंग.com हो गया, कोई भी.com हो गया, वहाँ पे भी बुकिंग हो नहीं रहे।